हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नए पोएम के को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेकअप। तो चलिए पढ़ते हैं और एक स्टेंजा का मीनिंग भी जानेंगे। वेकअप वेकअप, इट्स लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। Wake up, wake up, it's a lovely day. मतलब उठो उठो, ये एक सुहाना दिन है। Oh, please get up and come and play. मतलब oh, please उठो और आके खेलो। The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. मतलब जो चिड़िया पेड़ों में चहचहा रही है, गाना गा रही है, और तुम्हें मधुमक्खियों के भिनभिनाने की भी आवाज़ सुनाई देगी। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। तो चलिए सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं। वेकअप वेकअप, इट्स लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। वेकअप वेकअप, इट्स लवली डे, ओ प्लीज गेट अप कम एंड प्ले। इसका मीनिंग आपको पता ही है, तो अब इन दोनों लाइंस का मीनिंग जानते हैं। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। मतलब बहुत देर हो चुकी है बिस्तर पे सोए सोए, अब तुम जल्दी से उठो। अब हमारा ये थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरी वन इज अप एंड अबाउट। द काउ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शीप्स, द टाइनीस्ट चिकन चीप चीप चीप, वेक अप। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरी वन इज अप एंड अबाउट। मतलब जल्दी से नहा धोवा कर आओ, बाहर देखो सब कोई जाग चुके हैं। The cow, the horses, the ducks and sheep, the Chinese chicken, cheep, 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 wake up. मतलब जितने भी गाय, घोड़े, बतके और भेड़, और सबसे छोटा चूजा जो चीप चीप करता है, ये हर कोई बोल रहे हैं उठो। ओके फ्रेंड्स, सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? सर क्या बोलते हैं उसको, पोएम काट दीजिएगा, ठीक है? तो कैसी लगी आपको यह पोएम? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तब भी करना पड़ेगा आपको। तो तब के लिए बाय बाय।